नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ गुरमीत। तो कभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने सड़कों पर आंदोलन किए, किसानों को लामबंद किया और तत्कालीन सरकारों को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया। राज्य के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए पैदल मार्च से लेकर साइकिल यात्रा तक निकाली। लेकिन अब जब बीजेपी के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर किसानों की खराब फसलों का मुआवजा सरकार के लिए चुनौती बना है। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी बीजेपी को फजीहत झेलनी पड़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने पहुंचा भाकियू का प्रतिनिधि मंडल निराश वापस लौटा है। मुलाकात में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर सहमति नहीं बन पाई, साथ ही बीकेयू नेताओं को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। हिसार और कोसली में किसानों की मौत का मामला मुलाकात के दौरान उठाया गया, लेकिन किसी तरह की राहत का आश्वासन केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से बचने की कोशिश कर रही है, क्या सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन की रूपरेखा लगभग तैयार कर ली है। हालांकि अलग अलग ही सही, लेकिन कांग्रेसी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 19 अप्रैल को राहुल गांधी की किसान रैली को लेकर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की मुहिम में आखिर कितना दम है। इन्हीं सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि वो विमान में सफर के दौरान हमेशा अपने साथ माचिस रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक मंत्री होने के नाते उनकी चेकिंग नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि भ्रष्ट अधिकारी खुद को सुधार लें। सिरसा में इनेलो पीएसी की बैठक से पहले अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का जनता परिवार में 100% विलय होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से भाकियू नेताओं की मुलाकात विफल रही। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्यों को नसीहत दी कि अविलंब राहत कार्य शुरू करें, साथ ही कहा कि राज्य सरकारों के पास हमारा पर्याप्त पैसा है। मुख्यमंत्री ने पानीपत में इंद्रधनुष टीकाकरण योजना की शुरुआत की। प्रदेश के 13 जिलों में योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी घमासान अभी थमा भी नहीं है। इस बीच दिल्ली की महादेव रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। इस पोस्टर में केजरीवाल को हिटलर करार दिया गया है और तस्वीर को हिटलर की तरह दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शेषाचलम के जंगलों में पुलिस और चंदन तस्करों के बीच मुठभेड़ में 20 तस्कर मारे गए। जानकारी के मुताबिक 150 तस्करों ने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 20 तस्कर मारे गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तिमाही मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट में कोई बदलाव ना करते हुए इसे 7.5% ही रखा गया। वहीं सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉल दरों में 6 से 7 पैसे प्रति मिनट की दर की बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म होने के चंद दिन बाद ही ट्राई का यह फैसला उपभोक्ताओं को थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। देश के शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1213 अंकों की बढ़त के साथ 28,516.59 पर बंद हुआ। निफ्टी
करीब 0.40 अंक की मामूली बढ़त के साथ 8,607.30 पर बंद हुआ। तो आज बड़ी बहस में बड़े सवाल रहने वाले हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से आखिर सरकार क्यों बच रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सड़कों पर आंदोलन किए, किसानों को लामबंद किया, वही बीजेपी, उसी की सत्ता है आज, उसी की सरकार है, आखिर क्यों सरकार इस रिपोर्ट से बच रही है? आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन आखिर क्यों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है? आज की बड़ी बहस में बड़ा सवाल यह रहने वाला है। जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार यही रही या जो भी तत्कालीन सरकारें रही हैं, उनको बीजेपी ने कोसा है, सड़कों पर आंदोलन किए हैं, किसानों को लामबंद किया है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुद्दे को लेकर। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, तो आखिर क्यों इस मुद्दे पर सरकार बचना चाह रही है? आखिर क्या सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है? यह बड़ा सवाल आज का रहने वाला है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो पहले बातें की गई, जो पहले आंदोलन किए गए, क्या वो झूठे थे? जो वादे पहले किए गए वो झूठे थे? क्या किसानों से अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है? यह मुद्दा आज की बड़ी बहस में रहने वाला है। किसानों में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि बीजेपी पर भरोसा किया, बीजेपी ने पहले जो किसानों को उनका हक दिलाने की बात कही, आखिर उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आज तीसरा बड़ा सवाल रहेगा किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की मुहिम में आखिर कितना दम है। 19 तारीख को बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। राहुल गांधी कम बैक करेंगे, वापसी करेंगे रैली के साथ, लेकिन आखिर इस मुहिम में कितना दम है? भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, विपक्ष को भी एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर किया है। अब प्रदेश में किसानों का मुद्दा उठाएगी, क्या मात्र राजनीति इस मुद्दे पर की जा रही है या फिर इस मुहिम में कितना दम है? बड़ी बहस में यह मुद्दा उठाएंगे। और चलिए इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सत्यवीर डागर जी हैं, और चंडीगढ़ से हमारे साथ प्रवीण अत्री प्रदेश प्रवक्ता इनेलो जुड़े हैं, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रदेश अध्यक्ष भाक्यू जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। यहां शुरुआत मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आपसे करना चाहूंगी। आपकी मुलाकात हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ, प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है, कुछ आश्वासन मिला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने पहले बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, सड़कों पर उतरी है, पैदल मार्च किए हैं इस मुद्दे को लेकर। आप लोगों की मुलाकात के दौरान कोई आश्वासन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। हरियाणा में जो आज कृषि मंत्री है धनखड़ जी, उन्होंने आंदोलन किए थे, जींद के अंदर एक 27 फरवरी को पंचायत थी, उसके अंदर अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं की उसके तहत ही हमने हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चलाया था 5 मार्च को, एक बहुत बड़ी महापंचायत पिपली के अंदर की थी, जिसके बाद भारी तादाद में किसानों को गिरफ्तार कर लिया था, काफ़ी को परेशान किया गया, 10 दिन जेल में रहने के बाद एक फैसला हुआ था कि केंद्र के कृषि मंत्री से, केंद्र के वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से किसानों की मीटिंग होगी इस मुद्दे के ऊपर, और धनखड़ जी हमारे साथ में उस मीटिंग में चलेंगे। आज धनखड़ जी किसी वजह से नहीं आ पाए, वो उसकी फ्लाइट लेट होगी, आना तो वो चाह रहे थे, लेकिन किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें हम 7 लोग थे, उनकी आज कृषि मंत्री जी से बात हुई है। तो
करीब पौने घंटे तक बातचीत के बाद कृषि मंत्री जी ने अपनी बात कहने पे ज़्यादा जोर रखा, हमारी बात सुनने पे कम जोर रखा, और जो स्वामीनाथन आयोग का सवाल था, हमारा सीधा सा सवाल ये था कि आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो लागू करने का वादा किया था वो आप कब तक लागू कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं की? बिल्कुल, उन्होंने कहा अभी हमें टाइम थोड़ा हुआ है, हमारी मनसा लागू करने की है। हमने उनसे सवाल किया कि आप कब तक लागू कर देंगे, इस पे उनका कोई जवाब नहीं था, उनका गोल जवाब था, वो कह रहे जी रिजल्ट सामने आ जाए। गोलमोल गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए। चलिए यहाँ पर रमन मलिक जी से जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब, कुछ जवाब आप देना चाहेंगे, क्योंकि पहले यही कहा गया और खासतौर पर तब जब प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साइकिल यात्राएं तक निकाल चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, आज कोई जवाब नहीं है। मैं उसी विषय पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या अगर आज ओपी धनखड़ जी कृषि मंत्री नहीं होते और वो एक इसी प्रोग्राम में आपके आए होते, तो क्या आप उनको एक अपना किसानों के नेता करके संबोधित करती या भाजपा के किसान नेता ओपी धनखड़ करती? यहाँ पे चरूनी साहब बैठे हैं, क्या ये मना कर सकते हैं कि इन्होंने या इनकी फैमिली का अलीजेंस पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी के साथ नहीं है? क्या इलेक्शन नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, एक प्लीज मैं जवाब दे रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के से एसोसिएटेड लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी के साथ आपको संबोधित करना चाहिए, ताकि जनता को ये पता लगे कि वो किस विचारधारा से कैसी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन आयोग के लिए अगर चीजें हो रही हैं और हम वचनबद्ध हैं, हमने सरकार ने भी और पार्टी ने भी जनता को बोला है, हम वचनबद्ध हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2005 में आई थी, आज 2015 है, 10 साल में बहुत चीजें फर्क हैं। इस साल भी अगर हम देखें तो जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं और चीजें हुई हैं, वो एक बहुत बड़ी विषय है, और इस तरीके की आपदाएं आगे उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े क्लाइमेट चेंज से आ सकती हैं, तो उसको चेंज की बात ये गलत मुद्दा हो गया, मुद्दा हो गया। उसको स्वामीनाथन आयोग को एक बेस लेके उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हुए उसकी रिकमेंडेशंस को आगे लेते हुए क्यों नहीं चला जाए? अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि हमारे पास 641 के करीब लेबोरेटरीज हैं पूरे देश के अंदर, क्या उनका अपग्रेडेशन जो है वो स्वामीनाथन आयोग में नहीं था जो ये सरकार कर रही है? क्या जो सॉइल हेल्थ कार्ड था, क्या वो सीधा सीधा जवाब आप नहीं देना चाहते? मतलब जी सीधा जवाब है, सभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा जवाब है, यही वर्डिंग सीधा जवाब है, कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा जवाब है कि अगर आज स्वामीनाथन आयोग 10 साल पुराना हो गया तो उसमें उसको बेस लेते हुए बाकी और चीजें करनी पड़ेंगी। 10 साल पुराना हो गया, उन्होंने वादा नहीं किया था, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। मैं तो उससे एक से आगे जा रहा हूं जरूर, आज आप दूसरी तरह की बात घुमा रहे हैं। जरूरी सार, मैं तो उससे दो कदम आगे जा रहा हूं, उससे दो कदम आगे कहां जा रहे हैं, घुमा रहे हैं उस बात को, बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं कि वो कब तक लागू कर रहे हैं, बता दीजिए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, स्वामीनाथन आयोग लगाने से आप ये बोल सकते हैं कि दोबारा कभी ओलावृष्टि होगी या सॉइल क्वालिटी खराब होगी? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप एक मिनट, कोई बात नहीं मलिक साहब, प्रवीण साहब ये बता सकते हैं अपने लोगों को, जितने किसान भाई हैं उनको ये बता सकते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के अंदर ये भी एक फैक्ट है। ये डिबेट ना करके मैस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मलिक साहब आप करेक्ट हो जाइए, मलिक साहब लगता है आप सुनने के मूड में नहीं। 2005 में नहीं आई थी, जून 2006 में आई थी। दूसरी बात, आप जिस तरह से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे थे, अभी आप सॉयल कार्ड की बात कर रहे थे, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़ा स्पष्ट यह लिखा था कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर जो लागत है, लागत के ऊपर आप 50% लाभ देंगे, आपने ये लिखा था। आप उस रिपोर्ट का विश्लेषण मत कीजिए कि रिपोर्ट में क्या है,
आप सीधा सीधा ये बात कीजिए कि जो आपने चुनाव में घोषणा की थी आप उसको लागू कीजिए। उस घोषणा को पूरा आखिर क्यों नहीं किया गया? यहाँ दागर साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पार्लियामेंट चुनाव हो रहा था तब भी उसने आपने बड़ा क्लियर मेंशन किया था, प्रदेश में जब चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं, लागू क्यों नहीं कर सकते हैं? दागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं, शब्दों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सारे आप लगाएंगे तो नहीं होगा। जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसी वक्त इनका चेहरा स्पष्ट नजर आ गया था कि यह किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि उस वक्त धान का जो मूल्य निर्धारित करना था जो कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 1346 रुपए था, इन्होंने 50% बहुत गंभीर सवाल है अत्री जी, बहुत बहुत गंभीर सवाल है, इस पर जवाब लेंगे मलिक साहब से, जवाब लेंगे जरूर। डागर साहब कहिए। तो वहीं से स्पष्ट हो गया था ये किसान विरोधी रवैया इनका, ये किसान विरोधी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। देखिए मैडम, मलिक साहब ने बड़े जो ना जोर शोर से अपनी बात रखी। जब आदमी फंसता है तो उसी तरह की व्यवहार करता जिस तरह से बीजेपी इस वक्त कर रही है। जो एक बात इन्होंने कही क्लाइमेटिक चेंज, मैं हम भी स्वीकार करते हैं, शायद सभी लोग ये मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज इनके हाथ में नहीं है, परंतु जो चीज़ इनके हाथ में है किसानों के प्रति एक गंभीरता की जो बात है, केवल एक हरियाणा के संदर्भ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे नॉर्थ जो इंडिया है, जो कि जहाँ पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर निर्भर है, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर। आप यूरिया देखिए, वो यूरिया भी वही कौन सी क्लाइमेटिक उसमें डिस्टरबेंस आ गई थी, कौन सा कोई अर्थक्वेक किसी प्लांट में आ गया जहाँ इनकी यूरिया प्रोडक्शन हुई। बड़े शर्म की बात है कि किसान को थाने में दो दो कट्टे के लिए एक लाइन में लगना पड़ रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे जी चलिए, एक मिनट चढ़ू जी बोलता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा ना कि क्लाइमेटिक चेंज वाली बात है, जो किसान की फसल थी उसमें कौन सा क्लाइमेटिक चेंज आया जो अभी भी किसानों के घर के अंदर गोदामों के जो उनके अपना है। बात ये है मैडम, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। पैडी और कॉटन आज भी किसान के घर में भरी हुई है, कौन सी क्लाइमेटिक चेंज आई? आप क्लाइमेटिक चेंज कौन सी बात करते हैं आप मलिक साहब? अगर क्लाइमेटिक चेंज थी तो मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को देश के सामने बात रखनी चाहिए थी। बड़े दुखद की बात, दुखद घटना है कि आज क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारा किसान परेशान है। आपकी तरफ से कहीं एक बयान भी नहीं है। चलिए, तो किसान विरोधी सरकार आप लोगों की, तो आप ना किसान को पसंद करते हैं ना किसान की नीति आपको पसंद है। किसान विरोधी आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार है। डागर साहब, यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला हैं। शुक्ला साहब, वचनबद्धता की बात करते हैं यहाँ मलिक जी की, वचनबद्ध है सरकार, वचनबद्धता दिखाई देती है आपको, या फिर ऐसा लगता है शब्दों के जाल में फंसाने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है? नहीं, अभी तक जो पूरा 10 महीने की सरकार हुई है केंद्र में और 5 महीने की सरकार हुई है हरियाणा में, उसमें तो निश्चित रूप से यही नजर आता है कि इनके पास बातें ज्यादा हैं, काम कम है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो जो कहा था उस दिशा में करने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं, कहीं इफ एंड बट नहीं था इनके घोषणा पत्र में कि ये होगा तब हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे या ऐसा नहीं होगा तो लागू करेंगे। इन्होंने सीधे एक लाइन में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब पूरी बात एक लाइन में इन्होंने ये बात कही तो बात खत्म हो गई, उसे एक लाइन में लागू करेंगे। आपको मौका मिलेगा मलिक साहब, आपको मौका मिलेगा। जो बात पैदा करते हैं कि हम कटिपद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये मैं वही कह रहा हूं मलिक साहब कि जो बात कही जाए वो होती दिखाई दे। और अभी तक का जो सिनेरियो है, हो सकता है भविष्य में आने वाले 4 साल में आप कुछ करें, लेकिन अभी तक तो आपने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अभी तक फिलहाल नहीं लगता है शुक्ला साहब कि उस दिशा में कोई कदम उठाया गया है। यहाँ फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मलिक साहब आपसे भी जवाब लेंगे और बाकी के मेहमानों का इस मुद्दे पर क्या कहना है उस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या लगता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार वादा खिलाफी कर रही है किसानों के साथ? फौरन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।